प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा, अलीगढ़ के गायक चंदन सलूजा, जो बहुत ही मतलब एक प्रारंभिक स्तर से उठ कर के आए और संगीत के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में उन्हें टी सीरीज ने मौका दिया और टी सीरीज में उनका एक भजन जवाब कोई ना आज शाम को ही रिलीज हो रहा है। टी सीरीज जैसे अच्छे ब्रांड के द्वारा उन्हें मौका किस तरीके से दिया गया और उनकी क्या रही संघर्ष गाथा, आज हमारे साथ में हैं चंदन सलूजा जी। तो आपका स्वागत है चंदन जी। जी बर्बाद तौर पर, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को, जो आपकी एक भजन आ रहा है आज शाम को रिलीज हो रहा है टी सीरीज पर, तो सबसे पहले उसका कुछ मुखड़ा या कुछ सुनाते हुए। जी बिल्कुल, तो वो बताएं। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को, और शाम को आज 6 बजे ये भजन जवाब कोई ना टी सीरीज के चैनल से रिलीज होगा। जी जी, उसकी 2 लाइनें आपकी नजर है। जी एन दित मैया ने हिसाब कोई ना, एन दित मैया ने हिसाब कोई ना, माँ शेरावाली दा जवाब कोई ना, माँ शेरावाली दा जवाब कोई ना। तो ये है माँ शेरावाली को नमन करते हुए इनका भजन, जो कि आज शाम को टी सीरीज के द्वारा रिलीज होगा। जी तो अब हम चंदन जी ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या इस गायकी के क्षेत्र में आने की पहले बचपन में सोची थी कि मैं गायकी बनूंगा, या कुछ और सपने थे आपके? नहीं, बेसिकली तो बचपन से मुझे गाने का शौक़ था और घर वालों का जो था एम कि भाई बच्चा हमारा जो है डॉक्टर या कुछ ऐसा इंजीनियर बने। दो सपने, मम्मी का डॉक्टर था और पापा का था कि भाई इंजीनियर बने। लेकिन पढ़ाई पढ़ते हुए मेरा उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं रहता था, म्यूजिक में ज़्यादा रहता था। जी जी, बचपन से ही मैं जागरण वगैरह और कोई भी म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें मेरा गाने का मन बहुत ज़्यादा करता था। तो फिर मेरी मम्मी को ये लगा कि ये गाने में इसका इंटरेस्ट है। जी जी जी, मम्मी पापा को कहती थी कि इसको आप गाने में जाने दो, इसको जी, सीखने दो। जी जी, तो फिर मैंने अपना म्यूज़िक सीखना शुरू किया। मैं प्रोग्राम्स भी करने लगा था बचपन में, जागरण वगैरह और नाइट्स करता था। फिर धीरे 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 मुझे म्यूज़िक की जब ज़्यादा मतलब मैं गाने लगा करने लगा तो नॉलेज होने लगी। फिर मैंने म्यूज़िक में शागिर्दी करी उस्ताद शमसुद्दीन शेख जी के सानिध्य में। फिर अच्छा। मैंने उसको सानिध्य में उनके अच्छे से म्यूज़िक को सीखा। जी, फिर म्यूज़िक में मैंने पढ़ाई भी की। फिर मैं टीचर एज अ म्यूज़िक टीचर अपॉइंट हुआ अलीगढ़ के कई स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में मैंने। तो आपने मतलब स्कूलों में बच्चों को सिखाया भी है? जी जी जी, किस तरीके से? 4 साल, हाँ 4 साल बच्चों को म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक टीचर अपनी सेवाएँ दी हैं। जी जी, और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं अलीगढ़ में। जी जी, फिर गाते गाते अभी कुछ समय पहले से जो है भजन मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे भजन मिले। उन भजन को मैंने रिकॉर्ड किया अच्छे लेवल से। फिर वो जब मैंने सुनाए, अभी जो मेरा रिसेंटली आप भजन सुन रहे हैं, ये मैंने टी सीरीज को सुनवाया, उनको बहुत पसंद आया। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा आगे आप हमारे और भी भजन कीजिए। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलते चलते आज जो मुझे मौका मिला है टी सीरीज के माध्यम से, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है और एक अपने आप में अलीगढ़ के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अलीगढ़ में, क्योंकि अभी तक इतने बड़े मंच पर मौका नहीं, टी सीरीज पर अलीगढ़ का ऐसा पहला मैं सिंगर हूँ अलीगढ़ के सभी की ब्लेसिंग से जो टी सीरीज पर लॉन्च हो रहा हूँ। तो टी सीरीज तक पहुँचने में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा या ऐसा रास्ता रहा होगा? मेरी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग रहे हैं जी जिनका मेरे ऊपर एक तरीके से हाथ रहा है, और वो सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उनका सभी का धन्यवाद है। और टी सीरीज तक पहुँचने में भी मेरे 2-3 ऐसे जो मेरे बड़े हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्हीं की बदौलत में टी सीरीज तक पहुंच पाया। अच्छा, आप जो नए न्यू कमर हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं जी, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे? उनके लिए यही है कि म्यूज़िक में सबसे पहले गुरु बनाएं, म्यूज़िक को अच्छे से सीखें, उसका रियाज करें, क्योंकि संगीत में रियाज सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर रियाज करेंगे तो कहते हैं कि राज करेंगे। जी जी, तो रियाज आप करेंगे और गुरु जैसा बताएं वैसा प्रैक्टिस करेंगे तो आप, और नियत साफ रखेंगे सबसे, नियत अगर आपकी साफ होगी, किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो ज़रूर आप उस मालिक की, उस ईश्वर की कृपा से आपको ज़रूर मुकाम मिलेगा।
तो जैसा कि अभी तो आपको एक मंच पर मौका मिल रहा है, जी तो आगे आपके क्या भविष्यगत सपने हैं ऐसे कि आगे जो मेरे आपको पूरे करने हैं? आगे मेरे कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े चैनल से ही रिलीज होंगे और जिसके लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ। 3-4 प्रोजेक्ट्स कुछ तो मेरे रेडी भी हो चुके हैं और जैसा जैसा मालिक की मेरे मेरी माता रानी की जैसा भी इच्छा होगी वैसा वैसा हम काम करेंगे और जनता का जैसी जनता की डिमांड होगी वैसा काम अच्छा करेंगे। चंदन जी, जैसा कि आप की जो पर्सनैलिटी है और देखने में आप हीरो की तरह लगते अरे हैं, क्या कभी आपने मतलब बतौर अभिनेता या हीरो जाने की प्लानिंग नहीं बनाई फिल्म इंडस्ट्री या कहीं? नहीं, ऐसा नहीं, मेरा गायकी में ही इंटरेस्ट था और वैसे भी कब जिस जो आपका एम हो उसी पर रहना चाहिए, ज़्यादा कहते हैं कि पैर नहीं पसारने चाहिए, तो मेरे पास कई काफ़ी वो रहे ऑफर रहे एक्टिंग के भी, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो गायकी में ही था और आगे भी मैं गायकी ही जो है सोचकर गायकी के ही प्लेटफॉर्म पर चलूँगा, एक्टिंग मेरा ऐसा सच कोई एम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ईश्वर ने कुछ चाहा और कभी कुछ मौका मिला तो ज़रूर उसके हाँ, साथ। क्योंकि जैसा कि देखा गया कि कई गायक हैं जो कि कई जगह पर उन्होंने एक्टिंग भी की है, जी, तो उस तरीके का अगर मौका आता है तो ये मेरे जैसा मैंने बताया कि ईश्वर की मर्जी जैसी होगी उसमें हम कहते हैं कि ईश्वर की हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करना चाहिए और जैसा मालिक की मर्जी होगी, अगर आगे कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ और मुझे कहीं मौका मिला तो वो फिर तब हम तो ज़रूर आपको जो करेंगे। ये टी सीरीज पर मौका मिला है इसको लेकर के अलीगढ़ की जो आपकी जनता है, अलीगढ़ की जी, पब्लिक है, उससे कैसा फीडबैक मिल रहा है अलीगढ़ के जब से लोगों का उन्हें पता लगा बहुत है? बहुत प्यार मिल रहा है, अलीगढ़ के सभी डिग्नेटरी, सभी जो सम्मानित लोग हैं उनका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि अलीगढ़ के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि टी सीरीज पर कोई अलीगढ़ से लॉन्च हो रहा है, सभी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और सभी अपनी ब्लैसिंग ढेर सारी दे रहे हैं और आगे भी देते रहे, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है। अच्छा, तो देखिए कि चंदन सलूजा जी ने एक बहुत ही गहन बात बताई जो इस फील्ड में आने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं कि अगर रियाज करेंगे तो राज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी टिप्स है जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं कि रियाज कीजिए जम के तो राज जरूर करेंगे। तो चंदन सलूजा जी आज हमारे बीच में थे, इनका आज शाम को टी सीरीज के द्वारा भजन रिलीज हो रहा है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।